हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सोशल स्टडी मॉडल पेपर सेकंड है। ठीक है, इसके पहले हमने फर्स्ट मॉडल पेपर केवल सोशल स्टडी का डिस्कस किया है और उसमें हम कुल 15 बहुत ही आईएमपी प्रश्न डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, और हम लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं जो आपके लिए होता है। ठीक है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। और जितने भी ये 15 प्रश्न होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न जैसे शो हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, और ये जितने भी प्रश्न हैं सारे आपके सिलेबस से हैं, सिलेबस के बाहर मैंने कोई भी प्रश्न नहीं लिया है। तो सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि आकाश गंगा सदृश ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। सेकंड आपका प्रश्न है कि पैमाना क्या है? बहुत ही आईएमपी प्रश्न है कि पैमाना क्या है। तो पैमाने को भूगोल में मापक या दर्शक भी कहते हैं, उसे हम पैमाना कहते हैं। थर्ड नंबर आपका प्रश्न है कि ग्रह किसे कहते हैं? ये भी बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ग्रह किसे कहते हैं? तो वह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है तथा उससे ही ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करता है, ग्रह कहते हैं। तो यह ग्रह की परिभाषा हो जाती है कि वह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है तथा उससे ही ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करता है, ग्रह कहते हैं। चौथा आपका प्रश्न है कि बुध ग्रह को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो आपका बुध ग्रह होता है इसको हम सायं का तारा भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, आप इसको बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। ये सब एक एक लाइन के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पांचवा नंबर आपका प्रश्न है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो जो शुक्र है आपका, यह इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। सिक्स नंबर आपका प्रश्न है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। सेवन नंबर आपका प्रश्न है कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? ठीक है, मतलब जैसे कि सबसे नजदीक बुध, ऐसे होता है। ठीक है, तो सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? आपका वरुण है, यह सूर्य से सबसे दूर ग्रह स्थित है। तो ये बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, ये वाला प्रश्न कि सूर्य सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है, तो वो वरुण है। आठवां नंबर आपका प्रश्न है कि मानचित्र किसे कहते हैं? वेरी आईएमपी प्रश्न है, मानचित्र किसे कहते हैं? तो मानचित्र धरातल के आलेख निरूपण होते हैं, उसे हम मानचित्र कहते हैं। ठीक है, जैसे धरातल के बारे में आलेख होता है, सब कुछ बताया गया होता है, उसे हम मानचित्र कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है नौवां, मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। बहुत ही आईएमपी ये प्रश्न है कि मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तो मापक के अनुसार जो आपके मानचित्र होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो यही होता है दीर्घ मापक मानचित्र, ठीक है, और सेकंड होता है लघु मापक मानचित्र। ये दो आपके मानचित्र के प्रकार होते हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो दो टाइप के होते हैं, दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। अगला आपका प्रश्न है कि मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखिए, मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं, और हमने मानचित्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं ये ले लिया है। ठीक है, मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र के प्रकार बताइए। अब देखिए, मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? तो मानचित्र के घटक तीन होते हैं, ठीक है, दिशा, दूरी और प्रतीक, ये तीनों मानचित्र के घटक होते हैं। अगला आपका 11 नंबर प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है? अगर आपका आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है। तो सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है?
ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो टाइम लेता है वो लेता है 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। 12 नंबर आपका प्रश्न है कि परिक्रमण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। अगला आपका 13 नंबर प्रश्न है कि बहुत ही आईएम भी है, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है जो कि हमने डिस्कस भी किया था और बहुत आईएम भी है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। देखिए इसमें कंफ्यूज, जैसे कि 15 नंबर आपके लिए प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें बहुत ही कंफ्यूज होता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण जैसे मैंने बता दिया कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट मॉडल पेपर में हमने जो प्रश्न पूछा था उसका मैक्सिमम, जो उसका आंसर था मैक्सिमम स्टूडेंट ने बहुत ही राइट आंसर दिया था। चलिए देखते हैं कि वो प्रश्न क्या था, देन लेट्स सी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये आपका फर्स्ट मॉडल पेपर था। ठीक है, ये सब हमने प्रश्न उसमें डिस्कस किया था। जैसे एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देती हूँ कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है, प्रोफेसर घाटे का। ठीक है, चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन। ये बहुत ही, अगर आप डेली रिवीजन करते रहेंगे तो एग्जाम तक बहुत ही अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। जैसे अगला आपका प्रश्न था कि नवपाषाण काल के औजार कैसे होते थे, तीखे एवं चमकदार। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जैसे कि 6ठा नंबर आपका प्रश्न था कि भारत में मुद्रा प्रति का नियमन कौन कराता है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कर GST को कब लागू किया जाता है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यातायात के प्रमुख साधन बताइए, तो यातायात के प्रमुख साधन साइकिल, रेलगाड़ी, ये सब। ठीक है, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी, तांबा। उसके बाद नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ, मिस्र की सभ्यता। किलाकार लिपि का सर्वप्रमुख शासक कौन था, हम्बुरावी। वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है, तो लौह काल से। कौन सा पुरुषार्थ है, तो मोक्ष। तो ये देखिए 15 नंबर आपके लिए प्रश्न था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है आपका एशिया महाद्वीप। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर बहुत ही करेक्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो जो हमने आज आपसे सवाल पूछा है उसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो, और जो ये PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ज्वाइन होकर इसको प्राप्त कर सकते हो। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।